हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ चावल के बारे में बताऊंगी। तो गाइस चावल हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ चावल के फेस पैक्स बताऊंगी। तो अगर आपको एक्ने, पिगमेंटेशन या अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है तो रेगुलर यूज से ये सारी प्रॉब्लम्स मिट जाएंगे। तो आप इन सारे फेस पैक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका, जो कि मुझे पर्सनली मिला है। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो ये वाला फेस पैक बनाने के लिए हमेशा ही 1 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लोर और 2 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन टी, 2 बार यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी और मिक्सिंग के लिए हम पानी ऐड करेंगे। इस फेस पैक में हमने यूज़ किया है हल्दी, और हल्दी में होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो ऑयली स्किन लोगों को एक क्लियर स्किन देती है। हल्दी और चावल का आटा ये दोनों ही एक्ने, पिंपल और इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है ना गाइस, तो ये फेस पैक आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो ये फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी ओट्स, 1 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लोर और 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क। ओट्स और दूध ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करती है। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और इरिटेशन होती है तो ये फेस पैक आपको यूज़ करना चाहिए। ये फेस पैक आपको एक सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन देती है। आप इसे वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं। वन टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लोर और एलोवेरा जेल। इस फेस पैक में हमने यूज़ किया एलोवेरा, और एलोवेरा सेंसिटिव स्किन के लिए एक सुपर इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो सेंसिटिव स्किन के रैशेस, रेडनेस, इचनेस को कम करता है। तो आप इस फेस पैक को वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। तो ये आप सारे फेस पैक वीक में 2 बार ट्राई कर सकते हैं, और आपका रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो टिल देन, बाय बाय।